हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है शेफ तामांग कुकिंग शो में। मैं हूँ शेफ तामांग। आज हम बनाएंगे, मतलब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पास्ता आला सोरेंटिना। इटालियन का फेमस में से एक पास्ता है ये। ये बहुत इजी भी बनता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनते हैं। आप आराम से अपने घर पर बना सकते हैं। ये जो पास्ता है आप पचेरी पास्ता के साथ में बना सकते हैं। मैं आज स्पैगेटी के साथ में बना रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो होटल और रेस्टोरेंट पे अगर आप जैसे ही पास्ता आला सोरेंटिना ऑर्डर देंगे तो वो आपको पचेरी पास्ता के साथ में सर्व करेंगे, लेकिन मैं बना रहा हूँ स्पैगेटी के साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज सीधा बनाते हैं पास्ता आला सोरेंटिना। बनाने से पहले आप लोग कंफ्यूजन मत रहिए, हक्का नूडल्स क्या है। हक्का नूडल्स है सिंपल स्टार फ्राई नूडल्स। आप लोगों को कमेंट्स आया था स्टार फ्राई नूडल्स। हक्का जो वर्ड्स है वो लोगों को कहते हैं, मतलब चाइना में एक गांव है उसमें लोगों को कहते हैं कि हक्का पीपल, साउथ इंडियन पीपल हक्का पीपल, वैसे ही हक्का है। हक्का मतलब स्टार फ्राई नूडल्स। सोया सॉस जाता है, आगे देख लेना मेरा वीडियो सेक्शन में जाकर, वहाँ हक्का नूडल्स मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। पूरा वीडियो देखो, वहाँ पर भी मैंने पूरा बताया हुआ है। सबसे पहले आप टमाटो सॉस बना लीजिएगा। मेरा जो मैंने पास्ता बनाया था इससे पहले एक वीडियो, उस वीडियो को देख लेना। कुछ नहीं, इसको लाल लाल टमाटर लेना है, बॉईल करना है, उसके बाद में मिक्सी में दरदरा पीस कर आपको पकाना है फ्राई पैन में 10 से 15 मिनट। तो इस तरीके का हो जाएगा ये पास्ता। थोड़ा सा हमको सॉस चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर चेरी टमाटर है, फ्रेश चेरी टमाटर, लाल लाल चेरी टमाटर, फ्रेश पेसिल और चॉप गार्लिक। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पास्ता को बनाने के लिए, स्मोक इसका मोर्जा चीज़ है। ये माइमा कंपनी का है। आप माइमा कंपनी का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इनके पास बहुत सारा चीज़ है। शुरू करते हैं। थोड़ी सी ऑलिव ऑयल डालेगा सबसे पहले, एक टीस्पून गार्लिक, टमाटर। अब इसको 5 से 7 मिनट पकाना है चेरी टमाटर को। 5 मिनट पकाएंगे ना, 5 से 7 मिनट पकाएंगे तो आपका चेरी टमाटर तो इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब रेडी। ये टमाटर सॉस डालना है, पहले मैंने आपको बताया, 1 चम्मच और थोड़ी सी डालना है इसमें। ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है इस पास्ता के लिए, आप इस तरीके से काट दीजिएगा। चलिए अब बारी आता है पास्ता का। पास्ता डालेंगे हम यहाँ पर, फ्रेश बेसिल लीफ ऐसा तोड़ के डाल दीजिएगा यहाँ पर। अब डालना है इसका मोर्जा चीज़, स्वाद के अनुसार नमक, पेपर, ये रही आपका पास्ता आला सोरेंटिना।